हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राहुल के बुक समरी वीडियो चैनल में। डिसिप्लिन इज डेस्टिनी किताब रायन हॉलिडे ने लिखी है, जहां वे सेल्फ डिसिप्लिन बनाने और एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ सपने में आज तक मुमकिन था। लेखक हमें स्टेप बाय स्टेप अपने साथ लेकर चलते हैं और हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ भी पा सके। रायन हॉलिडे 14 मिनट्स रेड रीड इन इंग्लिश सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन प्रोडक्टिविटी। क्या आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं और वह भविष्य बनाना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक अनुशासित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप अनुशासित हैं लेकिन किसी तरह जीवन का संतुलन टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने भाग्य तक पहुंचने के लिए अनुशासन का उपयोग करना चाहते हैं। यदि इन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी खोज यहां समाप्त होती है, क्योंकि हम रायन हॉलिडे की पुस्तक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर हॉलिडे इस किताब के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आत्मा अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन महानता की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हर्क्यूलिस, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वह एक चौराहे पर आए तो रास्ते पर एक देवी मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी अपनी जिंदगी में दर्द दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते पर उसे एक दूसरी देवी ने एक और वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। डिसिप्लिन एज डेस्टिनी, उस देवी ने उन्हें हर्क्यूलिस वरदान दिलाने का भी आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें कड़ी मेहनत, निरंतरता और बलिदान की जरूरत होगी, लेकिन ये जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। ये ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला थोड़ा चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फैक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में लेखक इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कॉम्पोनेंट्स को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब कुछ अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इसके जरिए हम सभी अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, आत्मा अनुशासन आपको स्वतंत्रता देता है। आजादी हासिल करने से पहले ये सोचे कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ, जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम या आसपास के माहौल में जीते जीते थक गए हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिसेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदले। अगर आप एक पिज्जा खाना चाहते हैं, इसे ऑर्डर करें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और यह आपके लिए एक ही है। डिसिप्लिन एज डेस्टिनी बुक। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती है, तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बावजूद उलझाए रखेंगी।
दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं तो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने पर हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से अंदर से बुरा महसूस होना शुरू हो जाता है। यह अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती है। ये टारगेट और टारगेटलेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेटलेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल में रखने और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस में बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर कहे तो ये प्रिंसिपल्स रेस्ट्रेंट और डिटर्मिनेशन के साथ डायरेक्टेड जीवन जीने के प्रिंसिपल्स है। ये सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन ये भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात, यह आदत आपको अपनी फील्ड में महान बना देगी। चाहे आज के समय आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस से सबसे अच्छे लोगों की तरह परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। अध्याय 3, अपने शरीर को नियंत्रित करें। लू गेरिग अपने समय के सबसे महान बेसबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने 5 सालों से ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा था। लेकिन लू एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा था और फिट भी नहीं रहे थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा इंसान एक महान एथलीट कैसे बन सकता है। डिसिप्लिन एज डेस्टिनी बुक। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन से सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वे अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बना सके। अपने शरीर के बारे में सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने धैर्य को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लंबे समय तक ज्यादा हेल्दी रह सके। इससे एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल सिचुएशन का मुकाबला करने के केपेबल बनने लगेंगे। ऐसे कई छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सके। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज को करें। इसके लिए आप रनिंग, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई और आउटडोर खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज में से अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर से ध्यान रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकली चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट से बाहर निकालते हुए अपने ऊपर कंट्रोल को बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल्स देखकर आपको लगता हो कि सक्सेस का मतलब तो ऐशो आराम से जिंदगी को जीना है, या इसका मतलब स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीज करने के बजाय मुश्किल कामों को चुनना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, इसलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं, तो आप आखिर में अमीर, वेल्थी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के कामों को पूरा करके जल्दी से सोने जाए। जल्दी सोने के दो फायदे हैं। एक ये है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने का पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें, देखें क्या आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7-8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे। दूसरा फायदा यह है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं।
तो आज से ही जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाए। लू गेरिग ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपने जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल जीवन को जीने में मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल जीवन को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटी समझे और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करे। भले ही आप थके हुए हो, बिजी हो या आपको ऐसा करने की जरूरत न लगे, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत एक छोटे से तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सुबह 10 मिनट की जॉगिंग के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है। और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत एक पेज में बदल जाएगी, और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में जिंदगी सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ नहीं होता। आप सिंपल एक्टिविटी को रोज रोज करते हुए मुश्किल लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे और उसे पाना भी मुश्किल लग सकता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के साथ आप अपनी विल पावर को भी बड़ा बना रहे होते हैं। अध्याय 4, मन शांत करने के लिए अपने शारीरिक आत्मा अनुशासन का निर्माण करें। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। यह सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन यह इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट लीसा फेल्डमैन बैरेट ने बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं, तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। डिसिप्लिन एज डेस्टिनी हिंदी, इसलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं। देखें कि कंफ्यूजन के समय आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए डिसीजन से हमारी जिंदगी इफेक्ट होती है। इससे संबंधित एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और आपके रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने, खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं, या बिना एफर्ट्स किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशंस को नेगेटिव रिस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वे और ज्यादा खराब हो सकती है, इसलिए रिस्पॉन्स करने से पहले अपने धैर्य के उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तव में सच है, या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। आप इसके लिए बेथोवन्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस चीज पर या जिस काम पर आप फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। यदि आप अपने ध्यान केंद्रित करने के कौशल को तराशना चाहते हैं तो आप बहुत ही सरल शब्दों में इस वेबसाइट पर द पावर ऑफ फोकस का सारांश पढ़ सकते हैं। थोड़ा सेल्फिश बने, और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती है तो सिर्फ जिन चीजें को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने और अनकंट्रोल चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुँचने की कोशिश न करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने के बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें, और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार न माने और लगातार कोशिश करते रहे। ध्यान रखें, हम स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनकी तरफ पूरी इंस्पिरेशन से काम कर सके, न कि इसलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सके। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और यह आगे बढ़ने का एक मौका होती है। जैसा कि फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते जैसे हम हैं। इस बात का मतलब यह है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है।
अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप ऐसा यकीनन कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहे। अध्याय 5, महानता प्राप्त करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा को अलाइन करना होगा। पुराने समय में रथ, सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के अच्छे मॉडल थे। एक सारथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई काम करने पड़ते थे। अपने घोड़ों को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना तेज दौड़ना होता था। अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस्ड रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाए हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजारना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जयकार करती थी और चिल्ला रही होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में सबसे अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए खुद को कितना ज्यादा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली जोड़े रखने की जरूरत होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन सम्राट एंटोनिनस ऑरेलियस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमन्स पर शासन किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसलिए रोम में आज भी उन्हें एक बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता था। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से एंटोनिनस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता है अगर ये दयालुता, करुणा और प्यार के साथ बैलेंस ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है, इसलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी समझ नहीं पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। डिसिप्लिन एज डेस्टिनी इंग्लिश। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आपको एहसास होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक कर रहा है। आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं है, आप उन्हें स्वीकार करने, उन्हें खुश करने और उन्हें बेहतर होने के लिए इंस्पायर्ड करने के लिए है। फिलोसोफर क्लीनर्स की कहानी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्लीनर्स एक सुबह समुद्र किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लीनर्स रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से तो अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम से बचे और अच्छे कामों को करना शुरू कर दें। असल में हम सब अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ताकि अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए अक्सर हम अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं। अपने दोस्त के बारे में सोचें, अगर आप किसी अपने को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो क्या आप उन्हें ये बताते कि उन्होंने क्या गलत कदम उठाया है, या फिर आगे बेहतर कदम उठाकर सिचुएशन को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसके साथ ही आपने उन्हें समझाने की कोशिश की होगी कि ये दुनिया का एंड नहीं है, आप भी इसी तरह तो अपने खुद के दोस्त बने। परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की दिशा में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा से उठाएं, पर्पस और स्ट्रेंथ के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। अब किताब में बताए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल सेल्फ डिसिप्लिन जीवन को जीने के लिए करें। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करें। कुछ ऐसा काम करें जो आपके लिए छोटे चैलेंज से भरा हो या आपको मुश्किल लगता है। इस काम को करने की लगातार कोशिश करें। समय के साथ आप अपने अंदर बेहतर बदलाव को महसूस कर सकते हैं और अपने जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। निष्कर्ष, आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। आप जिस भी रास्ते को चुनते हैं उसकी मंजिल पर पहुंच जाने तक डिसिप्लिन से डटे रहे।
ध्यान में रखते हुए, जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और जो आपको अपने जिंदगी में चाहिए उसे हासिल करने के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। अपनी फिजिकल हेल्थ को बनाने पर ध्यान दें। अपने मन को शांत करने के लिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन बनने की कोशिश करते रहे। इस बात का पता लगाए कि आपने अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए क्या किया था, ताकि आपको चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटीज पर विश्वास हो जाए। तो दोस्तों, इस किताब से हमने डिसिप्लिन रहने के तरीके के बारे में जाना। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से डिसिप्लिन होकर आप अपने जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बन सकते हैं। बस आप डिसिप्लिन होने के लिए कदम उठाएं और शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। आखिर में ये कदम आपके जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने जिंदगी में प्रोडक्टिव होकर सक्सेसफुल बनने के लिए आप किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मुझे किताबें पढ़ना और जो बातें मैंने उन किताबों से सीखी उनको दूसरों को बताना पसंद है। तो अगर आपको भी बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।